संस्कृत विद्यालय की स्थिति हम और बेहतर करेंगे। जो भी जरूरत होगी निश्चित तौर पर हम इसमें विशेष परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि संस्कृत से हमारी संस्कृति है और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। ये बात कह रहे थे संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधायक भोला प्रसाद यादव। जहानाबाद के ठाकुरवारी में अवस्थित लक्ष्मी सांगदेव संस्कृत प्राथमिक व उच्च विद्यालय में संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भोला प्रसाद यादव पहुंचे थे विद्यालय की समीक्षा करने। इस मौके पर विद्यालय परिवार द्वारा उनके लिए स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जहानाबाद के विधायक सुजय यादव, राजद के जिला अध्यक्ष सहित संस्कृत विद्यालय के शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस मौके पर भोला प्रसाद यादव का विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर एस के सुनील व शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर आए भोला प्रसाद यादव ने विद्यालय को लेकर अपनी संतुष्टि जताई और कहा कि जिस तरह की बात हमें बताई जा रही थी उससे बिल्कुल अलग यहां हमें महसूस हुआ। इस संस्कृत विद्यालय को देखकर निश्चित तौर पर मन प्रसन्न हुआ। वहीं इस अवसर पर आए विधायक सुदय यादव ने भी संस्कृत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें संस्कृत की रक्षा करनी होगी, तभी हमारी संस्कृति बचेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर एस के सुनील द्वारा किया गया। इसके मिर्जा ईशा न्यूज़ के लिए। हमको पूरा विश्वास है कि जिस उदासी के साथ संस्कृत शिक्षा बोर्ड के संस्कृत विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाध्यापक और कर्मी लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, अब हम समझ रहे हैं कि वो दिन छटने वाला है जो काला अंधेरे के रूप में था। चूंकि हमको ये विश्वास है कि भाई संस्कृत के पूरा जिस इलाका से भोला बाबू आते हैं, दरभंगा से, मिथिलांचल से, वहीं से इसका सब चीज है, तो इसको पूरा नज़दीक से समझते हैं। और भाई कई तरह के मांग जो हमारे और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है और बिहार विद्यालय शिक्षा जो परिषद है उसके तरफ से, उसके अधीन जितने भी विद्यालय हैं उसके छात्र और शिक्षक और जो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अधीन जितने भी विद्यालय हैं उसके शिक्षक और छात्र लोग जो अपने आप को सरकार के योजनाओं से जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं, ये सब लोग सम्मानित भी महसूस करेंगे, ये हमको विश्वास है। जो हमारे शिक्षक लोग या विद्यालय के तरफ से मांग रखा गया उसको हमने देखा है। उसमें कई मांगें हैं जो कि मेरी भी मांग, वो इन्हीं लोगों की मांग नहीं है, मेरी भी मांग, और उस पर हम काम भी कर रहे हैं और सरकार का ध्यान भी आकृष्ट किए हैं। रही बात विद्यालय भवन का, इस दिशा में हम पहले भी पत्र आते के साथ सरकार को लिखे हैं और इसमें लगे हुए हैं। जो कुछ हमारे नियमावली में जो प्रतिबद्ध बंधन है उस बंधन को तोड़ करके सरकार इस पर निर्णय ले। जो यहाँ भी जो जर्जर भवन है उसको हटा करके नया भवन का स्वीकृति दे, जिससे कि यहाँ भी बच्चे को सुविधा मिल सके। मिड डे मील का मिल ही रहा है, साइकिल पोशाक योजना का लाभ साइकिलों को नहीं मिला है। बहुत से विद्यालय हमारे, बहुत से संस्कृत विद्यालय में मिला है लेकिन यहाँ नहीं मिला है। इस संदर्भ में हम यहाँ के जिलाधिकारी से और शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनसे वार्ता करूँगा कि यहाँ के भी विद्यालयों में वो सब सुविधाएँ दिए। और बोर्ड स्तर पर जहाँ जो लोगों को सहयोग की जरूरत होगी हम भरसक कोशिश करेंगे सहयोग करें। और ये मेरा समीक्षा बैठक इसीलिए हम रखे हैं जो हम समझे अपने विद्यालय को जो कहाँ पर क्या कठिनाई है, उस कठिनाई के हिसाब से बोर्ड का कार्य योजना। हमने अगले ये 2025 के एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया है, मतलब 20 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच में हमारे अगले सेशन का एग्जाम होगा बोर्ड का मध्यमा का, उसका भी हमने कैलेंडर जारी कर दिया। अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। हम इस रूप में लाना चाहते हैं, दूसरा बोर्ड जो रिजल्ट देगा उससे पहले हम रिजल्ट दें जो हमारे बच्चे का एडमिशन कॉलेज में या संस्थाओं में पहले, उनको इसके लिए इंतजार ही नहीं करना पड़े जो पहले दूसरे बोर्ड से सीट फुल हो गया हमारे बच्चे बैठे रह गए, वो इंतजार ही हम नहीं करने देंगे। अगले दो साल का हमने कैलेंडर जारी किया है और हम चाहते हैं जो अन्य विद्यालयों की तरह इन सब विद्यालयों को भी सही सुविधा। कागज़ पर चल रहा है, आपको सूचना मिली इस तरह का? नहीं, हमें कुछ लोगों के द्वारा जो जानकारी मिल रही थी जो कि कुछ विद्यालय हमारे कागज़ पर ही चल रहे हैं, वो भ्रांतियाँ यहाँ आने के बाद बहुत हद तक मेरा दूर हुआ है। अभी समीक्षा करेंगे तो और जो भ्रांतियाँ हो सकता है वो दूर हो जाए, और यदि वैसा पाया जाएगा तो उसको भी सर जमीन पर लाने का कोशिश। जहानाबाद जिला में
बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री भोला यादव जी का आगमन हुआ है। उनका यहाँ आगमन का उद्देश्य है जहानाबाद और अरवल जिला के संस्कृत विद्यालयों में क्या समस्या है, उस समस्या के संबंध में समीक्षा करना। इस समीक्षात्मक बैठक में सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, उनके प्रबंध समिति के सचिव और बोर्ड के पदाधिकारियों के बीच में जो क्या गैपिंग है, क्या उसको कर किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने ये बैठक बुलाई है। साथ ही हम लोग चूँकि अध्यक्ष महोदय इस जिला में पहली बार आए हैं, इसलिए हम लोग ये अभिनंदन का कार्यक्रम किया गया था शिक्षकों के द्वारा। काफ़ी प्रसन्न दिखे सर वो यहाँ आकर। बिल्कुल, हमको लगता है कि अध्यक्ष महोदय अभिनंदन से बिल्कुल गदगद थे। सारे स्वागत गान गाने वाले बच्चियों को उन्होंने पुरस्कार भी दिया 11,100 रुपया, और उन्होंने उनको आने से थोड़े ही दिन आया हुआ हुआ है, अभी संस्कृत बोर्ड का एक नया भवन बन मिल गया, और मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष जी का प्रतिनियुक्ति से इस जिले के, अरवल जिले का, दोनों जिला के जो स्थापित संस्कृत विद्यालय हैं उनको, उनमें जो कमी है उसका भरपाई होगा, इस आशा और उम्मीद के साथ हम लोग आज इनको अभिनंदन किए हैं। उम्मीद है कि ये जरूर हम लोग की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। ठीक।